कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अल्किस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 20 लेके आए। दोस्तों, पार्ट 20 आपका जीनिट कॉन्सेप्ट तगड़ा करेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 19 में देखा था कि एल सी एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो एल सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल हो तो उस टाइम इंपीडेंस का क्या फॉर्मूला होगा, फेज डिफरेंस फेज एंगल का क्या फॉर्मूला होगा, सब डिस्कशन हम करेंगे। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करें अपना म्यूजिक। डन 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 देवियों सज्जनों चला जाओ, फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम। आपको जैसे ड्राइंग करना हो आप बचपन से करते आ रहे हो पैरेलल का, तो ऐसे कंफर्टेबल है सर, 8th 9th में ऐसे ही करते थे। L, C and R, ठीक है, कंसीडर, ओके, डन सर। सीधा सीधा हम फेजर डायग्राम में जा रहे हैं। दोस्तों, सीधा हम फेजर डायग्राम लेने वाले हैं। फेजर डायग्राम पे आप देख पा रहे हो कि अब की बार L, C, R तीनों कहां पर है सर? तीनों उसके मामा के घर पे हैं। तीनों कहां है दोस्तों? कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में जुड़ते हैं दोस्तों, तो आई बट जाता है, आई बट जाता है, आई डिवाइड हो जाता है, तो आई सेम नहीं रहता है ना, तो लोचा हो गया सर। अब तो क्या होता है, सेम वोल्टेज सेम होता है, हम आगे भी कर चुके हैं सर। तो दोस्तों, एक वोल्टेज का ड्राइंग बनाते हैं हम, ये रहा वी आर वी सी वी एल, सबका वोल्टेज सब में से सेम जा रहा है, ओके ठीक है। तो जहां पे अब आपको पता है दोस्तों आर का मैटर आता है, तब आर का मैटर आता है, तब जहां पे आई होता है वहां पे वी एल आता है, एल का जब मैटर आता है तब एल का जब मैटर आता है तो वी आई से ज्यादा होता है, सी का जब मैटर आता है तो आपको पता है दोस्तों आई से वी थोड़ा 90 कितना कम होता है, ये सब बातें आप कर चुके हैं हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, R का V यहां पे है तो I भी यहां पे ही होगा, फिक्स बात है, I R ठीक उस पे ही होगा, ये हो गई बात क्लियर। अब दोस्तों L की जब बात करूं, L का जहां पे I है V है जहां पे, उससे 90 कितना कम है I, तो V यहां पे है तो 90 कितना कम है I, मतलब ऑब्वियसली सर यहां पे आ जाएगा I L, ठीक है सर। ठीक, आपने वही केस ले रहे हैं एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल वाला केस है ना, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल वाला। अब दोस्तों आई वी जहां पे उससे आई 90 जितना ज्यादा है सी में, तो देखो वोल्टेज है सी का यहां पे तो आई ऑब्वियसली 90 जितना ज्यादा होगा, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये ड्रॉइंग पूरा आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, हम कर चुके हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। चलिए फटाफट काम बढ़ाते हैं आगे। आई सी दोस्तों आप देख चुके हो पहले कि इतना आई एल है, इसको आई एल नाम दे दू तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, आई सी माइनस आई एल, आई सी माइनस आई एल, ठीक है। अब पार्ट 19 में सब मजदूरी कर चुका हूं मैं, बार बार ये मजदूरी हमसे ना हो पाएगी, ना हो पाएगी, ऑब्वियसली ये हो गई आपकी बातें, ठीक है। तो ये आई है, रिजल्टेंट आई है, और ये फाई है, ये आई सी माइनस आई एल है तो ये आई सी माइनस आई एल हो गया कि नहीं हो गया? अरे भैया आया ना, तो चलो पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस में क्या आएगा देखिए, आप ऐसे भी इसको इमेजिन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई सी माइनस आई एल ये आपका क्या है, हाइपो है, हाइपो कितना है आई है, पर ये कितना है आई आर है। अब इस पर से सब ताम झाम शुरू कर दीजिए। चलिए, पाइथागोरस आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर आई सी माइनस आई एल स्क्वायर, आई इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर आई सी माइनस आई एल स्क्वायर, टेन 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 टेन। दोस्तों वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बच्चे नहीं हो आप, बच्चे नहीं हो, सीरीज कनेक्शन पढ़ चुके हैं हम, थैंक यू, टेबल रखा हुआ है। आई सी ओ आई सी वी अपॉन एक्स सी वी अपॉन एक्स एल स्क्वायर, ठीक है, जा टेबल जा, टेबल गया। आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, देख भाई वी मेरे कॉमन, अब
चलो बेटा को मन ले ले रे, ये बात हुई। अभी कॉमन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल कॉमन वी, ठीक है। चलो अब वी इज इक्वल टू आई, अब कौन में जाने दे, ओ सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब दोस्तों वी इज इक्वल टू आई आर से कंपेयर करो, कंपेयर करो कि पूरा आर का काम करेगा, पूरा इंपीडेंस का काम करेगा। तो दोस्तों इस केस में इंपीडेंस आएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। दोस्तों याद रखना, कभी भी आपने ये चीज देखी है, ये मिनट में आपको फॉर्मूला सारे काम में आने वाले। अब मुझे लगता है दोस्तों फॉर्मूला बनाना आपको नहीं आता है, फेजर डायग्राम आ गया ना, मतलब फॉर्मूला तो लाइफ साइड है, लाइफ साइड है, देखा भाई। अब और इसको तू ऐसे भी लिख सकता है, z इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा एल स्क्वायर, तो भी चलता है, तो भी चलता है, ठीक है ना। तो आपने आज तक टेन फाइव देखा है कभी, तो देखा है हमने, तो क्या है सामने वाला अपॉन पास वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, v upon x c minus v upon x l v upon r, so finally 1 upon x c minus 1 upon x l upon 1 upon r, ठीक है। ये हो रहा है एकदम आपका, क्या हो रहा है एकदम। आप इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ओमेगा c minus 1 upon ओमेगा l by r, ठीक है, रेडी 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 बोल दाने के लिए। अब दोस्तों लॉजिक क्लियर करना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये तो जाने देता हूँ मैं आराम से आराम से आराम से। कॉस फाई की बात करूंगा मैं, कॉस फाई की बात करूंगा तो आपको बताया दोस्तों कॉस फाई में क्या आएगा, पास वाला अपॉन हाइपो, पास वाला मतलब वी अपॉन आर, ये हो जाएगा वी अपॉन जेड, जेड बाय Z बाय Z कौन सा, ये रहा है ना, इफेक्टिव आई कितना होगा V अपॉन Z, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो Z के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया है Z R और Z R और एक्स सी माइनस एक्स एल, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो ना, ठीक है। Z के लिए ये बात हुई मैंने लास्ट एलसीएल सीरीज में, ठीक है ना। तो क्या बोला था हमने, इंपेडेंस डायग्राम बोला था, ठीक है, बोलिए कैसे बात, ठीक है बात। कॉस फाइव साइन फाइव तो आप ला ही सकते हो, ये रहा साइन फाइव, टेन फाइव इंटू कॉस फाइव, बहुत ईमानदारी से देखना दोस्तों, एक्स सी माइनस वन अपॉन एक्स एल वन बाय आर इंटू कॉस फाइव जेड बाय आर, जेड बाय आर, ये आर से आ गया। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वन अपॉन एक्स सी माइनस वन अपॉन एक्स एल, बाजू में जेड है तो वन अपॉन जेड, ऐसा नहीं लिख सकता है, तो लिखना हो तो की बात है, याद रखने में सहूलियत रहेगी, याद रहने में सहूलियत रहेगी। टेन फाइव होता है वन अपॉन एक्स सी माइनस वन अपॉन एक्स एल अपॉन वन अपॉन आर, और उसको मिल जाएगा वन अपॉन जेड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा सी माइनस वन अपॉन ओमेगा एल बाय वन अपॉन जेड, तो भी ठीक रहेगा। क्लियर है बातें, क्लियर हो रही है दोस्तों। तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं काम में आएगा। बोल और क्या चल रहा है लाइफ में, लाइफ सेट है ना, पक्का सेट है, चल ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, चल।